हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज ओवरऑल निफ्टी देखे तो 34 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, वही बैंक निफ्टी में 218 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। ये रहा 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का, आपके सामने है। निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के पास, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से ये फर्स्ट एग्जैक्ट इधर ही ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड हुआ, सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होते होते रह गया, और पूरा दिन कहे तो लगभग 3 बजे तक एक साइडवेज मोमेंटम था, कोई ट्रेंडिंग जोन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, साइडवेज मोमेंटम था। और ये लास्ट के कुछ मोमेंट में फिर से जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो निफ्टी में कंटिन्यू तीसरे दिन हम कह सकते हैं कि एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं। कल जैसे कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो ये 22,500 का लेवल जो है ये इसे पार करना होगा। आज भी देखिए ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ चला गया। 22,500 को हमने कई बार देखा, ये बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पास्ट में, तो ये क्रूशल लेवल हो सकता है। और नीचे आएगा तो ये पिंक लाइन और ब्लू लाइन ये सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ऊपर रेजिस्टेंस है 22,500 का और सपोर्ट बन रहा है 22,300 का। तो ये डेली चार्ट का फिलहाल सिनेरियो है। चलते हैं अभी 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल अभी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आज रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से ये साइडवेज होके टूवर्ड साउथ की तरफ आया 22,462, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 22,489 का और सेकेंड टारगेट होगा 22,511 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, ये पिंक लाइन, ये ग्रे लाइन, ये ब्लू लाइन, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेके फिर हो सकता है बाउंस बैक करे, तो इन तीनों को ब्रेक होने दे। तो इसके जस्ट नीचे जहाँ पर कल हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 22,333, यही सेम होगा ब्रेकडाउन लेवल। फर्स्ट टारगेट होगा 22,313 और सेकेंड टारगेट होगा 22,291, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लेवल। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो गजब का भाई साइडवेज पैटर्न था, सिंपल वे में कहे तो बोरिंग फेज। फर्स्ट तो ये ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के पास, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पर भी सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट से बच गया हिट होने के लिए। और पूरा दिन देखिए 10 साढ़े 10 बजे के बाद ये किस तरह से एकदम से बोरिंग फेस था, मूवमेंट ही नहीं था। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में कंटिन्यू लगातार तीसरे दिन इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये 3 दिन है वर्टिकल लाइंस डे को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंडे था, ये ट्यूजडे और अभी ये वेनसडे। तो ऊपर ओपन होता है और उसके बाद में पूरा दिन एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। तो ये इलेक्शन पहले इस तरह का हमने कई बार देखा है, लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसके पहले इस तरह से मार्केट थोड़ा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम देखेंगे। 60 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा। ये मंडे का दिन देखिए किस तरह से फर्स्ट कैंडल के बीच में ये पूरा दिन ट्रेड होता है, ये ट्यूजडे का कैंडल और ये आज का, देखिए किस तरह से ये साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर 48,258, फर्स्ट टारगेट होगा 48,318 और सेकेंड टारगेट होगा 48,385। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 48,081, फर्स्ट टारगेट होगा ये पिंक लाइन 48,018 और सेकेंड टारगेट होगा 47,943, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।